पृथक विदर्भ की मांग को लेकर विदर्भ आंदोलनकारियों ने आज संविधान चौक पर पृथक विदर्भ की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की है। 1 मई महाराष्ट्र दिवस को विदर्भवासी काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी विदर्भवासियों ने संविधान चौक पर एकजुट होकर अलग विदर्भ का झंडा लेकर मांग की और ऐलान किया कि अलग विदर्भ होना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया है कि विदर्भ पिछड़ा है। क्या आप देखेंगे कि गृह मंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी थे और मुख्यमंत्री भी वो थे, लेकिन आप देखेंगे कि विदर्भ के जितने भी पुलिस थाने, जब वो गृह मंत्री थे विदर्भ के पुलिस थानों का ये हाल था और अभी भी है कि 80-90% ऑफिसर्स दे ऑल आर फ्रॉम पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा। हर पुलिस महकमे में, विदर्भ के हर पुलिस थाने में 80-90% जो अधिकारी है वो पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा के, जबकि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हमारे विदर्भ के, लेकिन इसके बावजूद भी वो विदर्भ के जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, उनको यहाँ के थानों में, और ये सिर्फ पुलिस थाने का हाल नहीं है, ये हर सरकारी महकमे का हाल है पूरा। और एक और बहुत बड़ी आश्चर्य की बात कि हमारे यहाँ रोजगार के तलाश में हमारे विदर्भ के लोग विदर्भ छोड़ के जा रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि एक खासदार की सीट कम हो गई, 4 आमदार की सीट कम हो गई और 2.5% से लेके 3% तक विदर्भ में वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदर्भ छोड़ के जा रहे हैं, पूना नासिक में सेटल हो जा रहे हैं, उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो यहाँ अकेले रह रहे हैं। तो 3% से 4.5% से 3% वृद्ध आश्रम प्रतिवर्ष विदर्भ में बढ़ रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहुड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।